अगर आप अपने घर में बेसन के लड्डू या पेड़े बनाते हैं तो उसके लिए तगार या बूरा की ज़रूरत पड़ती है। तगार से बने हुए लड्डू पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए आज हम लोग तगार बनाते हैं। तगार बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और 1/3 कप पानी। अब हम एक पैन में चीनी और पानी डालकर गैस चालू करके फ्लेम को हाई कर देंगे। और इस चीनी को हम हाई फ्लेम पर ही मेल्ट होने देंगे। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते भी रहेंगे। चीनी गलने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक और उबलने देंगे। चाशनी जब थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब इसमें हम 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे, जिससे तगार अच्छी तरह से खिली खिली बनेगी। घी डालने के बाद इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेंगे। चाशनी हमारी अब अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हम गैस से उतारकर एक जाली स्टैंड पर रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे हमारी तगार धीरे धीरे बनने लगेगी। कलछी को हम लगातार तगार पर दबाते हुए चलाएंगे, जिससे तगार में गुठलियाँ ढेले नहीं पड़ेंगी और तगार हमारी अच्छी दानेदार तैयार होगी। इस तगार का यूज मैं अगले वीडियो में करूँगी। जब आपकी चाशनी एकदम अच्छी तरह से जम जाए तो उसे आप कलछी को तगार पर लगातार दबाते हुए चलाते रहें, नहीं तो आपके तगार में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। हमारी तगार अब बनकर तैयार है, तो इसे आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने मनपसंद बेसन के लड्डू या पेड़े बनाइए। तगार को आप एयरटाइट डब्बे में रखकर 3 से 4 महीने तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह तगार की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सकेंगे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।